कारण आज देश में बड़ी ही सादगी के साथ मनाई जा रही है ईद। पहली बार लोगों ने घरों में रहकर ईद की नमाज पढ़ी। कोरोना को देखते हुए मस्जिदों या खुले मैदानों में इस बार एकजुट होकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकी। ना परिवारों का मिलना जुलना हुआ और ना ही रिश्तेदार इस बार बच्चों को ईदी दे पाए। पूरी दुनिया में लोगों ने बड़ी ही सादगी के साथ ईद का त्यौहार मनाया। कोरोना वायरस के कारण लंबे समय से बंद घरेलू उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। फिलहाल ट्रेवल टाइम के आधार पर रूट को 7 सेक्शन में बांटा गया है और हर सेक्शन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम किराया फिक्स किया गया है। यह किराया 2000 से 18600 रुपए के बीच होगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी घरेलू विमान शुरू करने की इजाजत दे दी है। मुंबई से रोजाना 25 फ्लाइट्स उड़ और उतर सकेंगी। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ाई जाएगी। हालांकि पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण इसे इजाजत नहीं दी थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि राज्य में जिस तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उससे अभी घरेलू उड़ानों को इजाजत देना खतरनाक साबित हो सकता है। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया। रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में एसी के साथ जनरल बोगियां भी लगाई जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जनरल कोच में सिर्फ 54 यात्रियों को इजाजत दी जाएगी। इसके लिए जनरल कोच में भी यात्रा से पहले यात्रियों को रिजर्वेशन कराना होगा। यात्रियों को सीट नंबर आवंटित किए जाएंगे। सीट खाली होने पर कम दूरी के यात्रियों को बर्थ आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक ट्रेन में 900 से 1200 के बीच यात्री सवार होंगे। टिकट के बाद ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा और सफर कर सकेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन काफी गर्म हवाएं चलेंगी। लू को देखते हुए लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज से सभी सरकारी दफ्तरों को 50% स्टाफ के साथ खोलने का आदेश दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। इसके लिए 3 शिफ्ट में कर्मचारियों को बांटा गया है। नई व्यवस्था के अनुसार सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में काम होगा। योगी सरकार ने कोविड-19 अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस ले लिया है। कोरोना मरीज शर्तों के साथ मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले जारी किए गए आदेश में साफ साफ कहा गया था कि प्रदेश के कोविड-19 समर्पित L2 और L3 चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलता है। नक्सलियों द्वारा मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार आज झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। बघेल ने कहा है कि 25 मई वर्ष 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाए। डिज्नी हॉटस्टार की ओर से होम डांसर का पहला एपिसोड 25 मई से प्रसारित किया जाएगा। बॉलीवुड स्टार जैकलीन फर्नांडिस होम डांसर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी तथा इस शो के होस्ट मशहूर कलाकार करण वाही होंगे। होम डांसर का प्रसारण हफ्ते में 2 बार होगा तथा यह भारत की पहली ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। 5 हफ्तों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विजेता को हर हफ्ते 4 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।